हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके लाइफ पार्टनर। तो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ये है कार्ड नंबर 1, टू ऑफ कप्स, डॉल्फिन कार्ड, एंड ये है कार्ड नंबर 2, 10 ऑफ कप्स। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाला कार्ड चूज़ कर सकते हैं। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ कार्ड नंबर 1 एंड देखते हैं कि आपकी शादी जो है किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज करा है, 2 ऑफ कप्स, डॉल्फिन कार्ड, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसी होंगी। बट आई फील कि आपकी शादी जो है आपके सोल मेट ट्विन फ्लेम के साथ होगी, बिकॉज आपने और 2 ऑफ कप्स चुना है। तो डेफिनेटली या तो आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, या फिर आपकी शादी जिससे भी होगी ना, वो आपके ट्रू सोलमेट या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम होंगे। और आपका जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा इस पर्सन के साथ। आप बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे इस पार्टनर के साथ। चलिए देखते हैं, पहले हम निकालते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी, उनकी ओवरऑल कैसे होंगे वो या कैसी होंगी वो। सो ग्रुप नंबर 1, आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी, नेचर, ओके। सो गाइस, बॉटम द डेक आपके लिए कार्ड आया है हेरफिन का एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या ये उनका सन साइन, मून साइन, कोई भी साइन हो सकता है। ओके, ये जो पर्सन होंगे ना, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल या दिल से सोचने वाले पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। ये पार्टनर जो हैं आपके, या जो लड़की भी हैं अगर, ओके, तो ये बहुत प्रैक्टिकल होंगे या प्रैक्टिकल होंगी, ठीक है। ये पार्टनर का जो मेन फोकस होगा ना अपनी लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा होगा अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, ओके। एंड ये पार्टनर को ना मतलब ये काफ़ी, या तो अच्छी फैमिली से होंगे, या फिर बहुत मतलब रिच फैमिली से होंगे, या फिर इन्होंने इतना स्ट्रगल करा होगा अपनी लाइफ में कि ये अपनी लाइफ में फाइनली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, इस तरह से होंगे, ठीक है। इनको लाइफ में लग्जरी चीज़ें रखना, अच्छे से लाइफ जीना, बिल्कुल किंग की तरह, बिल्कुल एम्परर की तरह, बिकॉज एम्परर कार्ड भी आया है यहाँ पे, किंग, एम्परर, ओके। और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह घूमना, अच्छे तरीके से रहना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये बिल्कुल भी मतलब इस तरह से नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है, या फिर बहुत दिल से सोचने वाले। बट हाँ, ये पर्सन दिमाग से सोचते होंगे, ये पार्टनर प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये पार्टनर जो हैं ये आपसे एज में बड़े हों, ठीक है, और ये पार्टनर ना थोड़े से ट्रेडिशनल भी होंगे, ठीक है। एंड आई फील कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, और आपकी इस पार्टनर के साथ ना एक इन एंड आउट, एक नेगेटिव साइकिल, कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप, इस तरह का सीन को चल रहा है आपका इस पार्टनर के साथ, ठीक है। और आप काफ़ी परेशान हो इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि आपको जो फ्यूचर है ना, वो अनक्लियर है आपका, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं जानते हो, टोटली सिंगल हो, तो जब ये पार्टनर आपसे मिलेंगे, तब काफ़ी ये शुरू में इन एंड आउट रह सकते हैं, मतलब इतनी इजीली आप इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इतनी इजीली एक्सप्रेस ना करें,
ठीक है, बिकॉज ये इतने इमोशनल होंगे ही नहीं, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये बहुत लॉयल उनकी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, ये जिसके साथ रहते होंगे ना उसके साथ ही कमिटेड रहेंगे, मतलब टू टाइमिंग करना या डबल डेटिंग करना या धोखा देना वो इनकी नेचर में नहीं होगा। भले ये पर्सन बहुत स्लो होंगे डिसीजंस लेने में, ठीक है, आपको चूज़ करने में भी स्लो हो सकते हैं, बहुत सोचें, हर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को सोचें, लेकिन अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि इनको आपके साथ रहना है तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ लॉयल रहेंगे, ठीक है। इस पार्टनर का जो गुस्सा है वो तेज़ हो सकता है क्योंकि एम्परर कार्ड आया है, तो काफ़ी मतलब ये डोमिनेटिंग इनकी पर्सनालिटी हो सकती है कि ये वो ही करना चाहें, रिलेशनशिप में वही हो जो ये चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इनसे जो पूछ के जो है वो चीज़ें करो कि इनकी एडवाइस लेके आप चीज़ें करो, तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, एंड मतलब थोड़ा सा इनको डोमिनेट करना या फिर ये दिखाना कि हाँ मैं थोड़ा सा सुपीरियर हूँ इस कनेक्शन में, वो इनको पसंद हो सकता है, ठीक है। अपनी फैमिली काफ़ी क्लोज होंगे, काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, बिलीव करते होंगे गॉड पे, ठीक है, स्पिरिचुअल भी होंगे ये, इनको ना मतलब मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना बहुत पसंद होगा बिकॉज इनके बड़े बड़े सपने होंगे। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो इनको पैसा, गाड़ी, घर, ठीक है, इस तरह से मतलब काफ़ी इनके ड्रीम्स इन्होंने बना रखे हैं अपने दिमाग में जो कि इनको अचीव करने हैं, ठीक है, और ये आपको भी उन ड्रीम्स का पार्ट बनाना चाहते हैं। ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे, सोचते बहुत ज़्यादा होंगे चीज़ों पे फैसला लेने से पहले, ठीक है, मतलब बहुत जगल करते होंगे उसके बाद ही ये फैसला लेते होंगे, ठीक है, परेशान भी रहते होंगे ये अपने फाइनेंसेस की वजह से, या फिर इनिशियली आप दोनों के लाइफ में एक ऐसा फेज आ सकता है कनेक्शन में जहाँ पे आप दोनों को सेपरेट होना पड़े, परेशान रहना पड़े कुछ वक्त तक, उसके बाद आपका यूनियन हो, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड तो होता ही शादी का कार्ड है, उसके बाद जाके आपकी शादी हो इतने नेगेटिव साइकिल देखने के बाद, ओके। लेकिन ये पर्सन लॉयल होंगे, हाँ इतना मतलब इमोशनल नहीं होंगे, लेकिन लॉयल होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो इमोशनल होंगे ही, ओके। अब चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों का इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज, इमोशनल कनेक्शन सेरेंडिपिटी क्रिएटिविटी इनर पीस द गार्डनर। ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपकी लाइफ में वो इनर पीस लेके आएंगे जो आप इतने सालों से ढूंढ रहे हो, भले आपके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हुए इन दी पास्ट, पर आपको कहीं भी वो पीस, वो हार्मनी फील नहीं हुई है, बट शादी के बाद ना आपकी लाइफ में एकदम पीसफुल हो जाएगी, ठीक है, बहुत एक कामनेस वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है, और शादी के बाद ना आप दोनों मिलके कुछ नया अपना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, बिकॉज क्रिएटिविटी कार्ड आया है, तो दोनों ही अपने अपने करियर में, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और दोनों ही मिलके एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जो है ना वो बनाओगे, क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप स्टार्ट करोगे मिलके। और शादी के बाद मतलब अगर अभी तक आपकी लाइफ बहुत ही डल और बोरिंग है और कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है आपकी लाइफ में, तो शादी के बाद आपकी लाइफ में एकदम से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और अगर आपने कुछ प्लान कर रखा है ना कि शादी के बाद ऐसा वैसा, तो आपने जो प्लान करा है ना उससे तो 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज सेरेंडिपिटी इज़ लाइक सरप्राइज़ जो आपको नहीं पता, जो आपको एंजल्स देने वाले हैं, ठीक है, एंड गार्डनर। सो डेफिनेटली ये पार्टनर बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपको लाइफ की सारी हैप्पीनेस देने के लिए, और ये पार्टनर आपके डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, और अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली ये बहुत हार्डवर्किंग होगी, ठीक है, बहुत एफर्ट लगाएंगी इस कनेक्शन के लिए और आपकी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, तो बहुत ही अबंडेंट रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का, ओके। चलिए हम और देखते हैं कि और ओवरऑल कैसा रहेगा आपका कनेक्शन, ओवरऑल कनेक्शन आप दोनों का आफ्टर मैरिज, ग्रुप नंबर 1 ओवरऑल कनेक्शन, ओके। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये पार्टनर आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपके सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन, और आपने बहुत प्रेयर करा होगा इन पर्सन के लिए तभी आपको मिलेंगे। वाओ, एस ऑफ कप्स,
डेफिनेटली ये पार्टनर भले ही प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, मतलब बहुत मनी माइंडेड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, दिल से नहीं सोचते होंगे, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा आपके लिए, ठीक है, ये वो प्यार वो फील कर पाएंगे आपके लिए, और आप इनका इमोशनल साइड बाहर लेके आओगे, भले ही दुनिया के लिए होंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, दिमाग से सोचते होंगे, बट जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पार्टनर का आपको लेके, और काफ़ी पॉजेसिव भी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, लॉयल भी रहेंगे आपके लिए, तो और बहुत प्यार करेंगे आपसे शादी के बाद, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज़ लाइक हर तरह से नई शुरुआत होगी, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे आपको लेके, केयरिंग होंगी आपको लेके, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे ये आपको सेटिस्फाई करेंगे। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सो लव वाइज तो ये आपको सेटिस्फाई करेंगे ही, ठीक है, प्यार भी बहुत देंगे, लेकिन मटेरियल वाइज भी ये आपको लाइफ की सारी हैप्पीनेस देंगे, ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहने देंगे आपकी लाइफ में, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल, और स्पिरिचुअली भी आप दोनों काफ़ी ग्रो करोगे साथ में मिलके, सो प्यार भी है, एक अच्छी लाइफ भी है, ठीक है, एक इमोशनल बॉन्ड भी है, इनर पीस भी है, सो ओवरऑल इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट लाइफ पार्टनर जिसको बोलते हैं वो मिलेगा आपको। चलिए यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट मंथ्स क्या रहेंगे। ये मंथ्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इस पार्टनर का बर्थडे आ सकता है, या आप दोनों इन मंथ्स में मिल सकते हो, या आपकी शादी इस मंथ में हो सकती है, ओके, सो जनवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, जून इज़ इम्पॉर्टेंट, जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट, हम 6 निकालेंगे, फेब्रुअरी इज़ इम्पॉर्टेंट, अप्रैल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मई इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, सो ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इस पार्टनर की पर्सनालिटी के लिए हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज बिग ब्यूटीफुल आइज, तो इस पार्टनर की आइज काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। देन हार्ड वर्किंग, यस, कि पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, जो भी अचीव करा होगा अपनी लाइफ में वो अपनी मेहनत पे करा होगा। देन वी हैव जिमिंग, योगा, सो काफ़ी फिटनेस वाले बंदे होंगे या बंदी होंगी ये, ठीक है, जिम, योगा, ट्विन फ्लेम, काफ़ी लोग, आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो सकती है, अरेंज मैरिज, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो भी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ही होगी। ब्यूटी, मेकअप, लुक्स, तो अगर ये लड़की है तो उनको अपने लुक्स वगैरह पे मतलब अच्छे से रेडी होना बहुत पसंद होगा। देन मीडियम हेयर, सो मीडियम काइंड ऑफ हेयर होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, स्लिम, ओके, सो स्लिम टाइप उनकी बॉडी होगी, बिकॉज डेफिनेटली फिटनेस फ्रीक होंगे। ब्राउन हेयर, काफ़ी लोगों के ब्राउन हेयर होंगे आपके पार्टनर के, या फिर उनको कलर करवाना अच्छा लगता होगा। लव मैरिज, सो इट विल बी लाइक लव कम अरेंज, ठीक है, आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव ब्यूटिफुल स्माइल, तो स्माइल काफ़ी अच्छी होगी इस पर्सन की। देन लास्ट वी हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, या सो काफ़ी भले प्रैक्टिकल होंगे थोड़े से दुनिया को लेके, बट आपको काफ़ी हंसाएंगे, खुश रखेंगे, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा इस पर्सन का। ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर, एक्साइटमेंट, तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आएंगे, जो भी बोरिंग डल लाइफ है ना जो चल रही है, एकदम से आपकी लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चलता ही रहेगा इस पार्टनर के साथ। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, सो इफ इफ यू आर कन्फ्यूज, अगर आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो और आप कन्फ्यूज हो कि कुछ होगा नहीं होगा, ये सही है या नहीं है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये जो कनेक्शन होगा ना आपका, ये इतना प्योर होगा, इतना डिवाइन होगा कि यहाँ पे आपको किसी और से एडवाइस नहीं लेनी है, अगर आपको हेल्प मांगनी है तो आपको सिर्फ गॉड से मांगनी है और अपने इंट्यूशन की सुननी है कि आपका दिल, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। देन हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, सो मे बी अभी आप इस पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, ठीक है, अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि
ये पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, आपको छोड़ दिया है उन्होंने या फिर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी हार्ट एक हो रहा है। बट अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आएंगे तो ये आएंगे, ओके, न्यू जॉब करियर, तो मे बी ये पर्सन बिजी है अभी अपने जॉब करियर में, देन वाओ ये हैप्पीनेस एंड वेलबींग, तो एंड में तो आपकी लाइफ में ये सन आ ही जाएगा, आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आ ही जाएगी, ओके। सो आपको टेंशन लेने की या हार्ट एक उनमें रहने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लेटर्स निकालते हैं। ओके वी हैव XTTJGAOA, ओके वी हैव 3 times AD KC BM L एंड वी हैव F, तो ये उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या वो जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो गाइज, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ करा है, 10 of cups, चलिए देखते हैं कि हु विल यू मैरी, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसी होंगी, ओके। सो 10 of cups अगर आपने चूज़ करा है तो डेफिनेटली काफ़ी फैमिली पर्सन होंगे, ठीक है, आपको अच्छी फैमिली देंगे और इनका मेन एम यही होगा कि आपके साथ एक अच्छी फैमिली क्रिएट करें, सबको जोड़ के रखें। सो काफ़ी फैमिली काइंड ऑफ पर्सन काइंड ऑफ वाइब आ रही है इस पार्टनर से, ओके। चलिए अभी हम पहले कार्ड्स निकालते हैं कि इस पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी, इनका नेचर कैसा होगा। सो ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की पर्सनालिटी एंड नेचर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, बॉटम से हमारे पास आए हैं हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 2 of cups, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास कपल कार्ड आए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। सो बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, आप भी और ये पर्सन भी, ठीक है, एंड इंट्यूटिव भी होगे। मे बी आप में से काफ़ी लोग शायद हीलिंग वर्क भी करते हो, ठीक है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके पार्टनर करते हो हीलिंग वर्क, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इंट्यूशन लेवल आप में से किसी एक एक पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, और स्पिरिचुअल तो आप दोनों खैर होगे ही साथ में। ये पर्सन जो होंगे ना, शुरू में थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी जब आप इनसे मिलो तो इतनी जल्दी आपसे ओपन अप ना हो, ठीक है, इनको टाइम लगे ओपन अप होने के लिए। लेकिन वन थिंग इज श्योर कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ये आपको हील करने के लिए आएगा, ठीक है, आपके पास्ट के कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमा या कुछ ना कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके या इस पर्सन के। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो आप एक दूसरे को हील करोगे, बिकॉज वी हैव टेम्परेंस कार्ड। सो अगर आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो तो आपने ये फील भी करा होगा कि जब से ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए होंगे तब से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए होंगे, और वो स्पिरिचुअल वे में चेंजेस आए होंगे, मतलब आपका बिलीव जो है वो डिवाइन पे बढ़ गया होगा, फिर आप और स्पिरिचुअल हो गए होंगे, ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही होगी, आप इनर वर्क करते होगे, आप काफ़ी पॉजिटिव रहने लगे होंगे, ठीक है, आपका बिलीव बढ़ गया होगा एंजल्स के ऊपर, ठीक है, एंड सेम आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो रहा होगा। ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपकी लाइफ में ओवरऑल हर तरह से बैलेंस लेके आएंगे। आई थिंक ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, ठीक है, या फिर आप जब मिलोगे तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहोगे कुछ वक्त तक, या आप इनसे ऑनलाइन भी मिल सकते हो, ठीक है, आपके बीच में एक डिस्टेंस है, डेफिनेटली एक डिस्टेंस है,
जो ये पार्टनर कवर करना चाहते हैं, बट अभी ये मजबूर हैं, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आएंगे। नाइन ऑफ कप्स, ये पार्टनर ना खुद भी मतलब खुश रहने वाली पर्सनालिटी होगी इनकी, और आपको भी बहुत खुश रखेंगे। नाइन ऑफ कप्स काफ़ी मतलब ब्लंट होंगे ये पर्सन, ठीक है, ये अपना अपने दिल में कोई बात नहीं रखते होंगे, इनको अगर कुछ बुरा लगा, कुछ बोलना है तो डायरेक्ट कट टू कट आपके मुंह पे बोलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे जाके कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। चाहे लड़के या लड़की, टोटल मतलब साफ बात करने वाले, कुछ अच्छा है तो अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, ठीक है, इस तरह से होंगे। अपनी मॉम के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं इनकी फैमिली में, ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो सकती है अपने घर की, तो उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क भी करते हैं, ठीक है, मे बी इनके ऊपर सारा लोड आ रखा हो अपने घर का अभी इस वक्त, ठीक है, एंड ये आपको कहते भी होंगे कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ओके एंड लेकिन जो भी है, ये पार्टनर हर हाल में खुश रहने वाले हैं, आपको भी खुश रखेंगे, और ये पार्टनर ना मैजिशियन है, ठीक है, जहाँ जाते हैं अपना मैजिक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो लोग इनसे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, काफ़ी इंस्पायर होते हैं, ओके, थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं ये शुरू में, मतलब इतनी जल्दी अपने कार्ड्स आपको ना रिवील करें कि इनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जब आप इनको समझ जाओगे तो आपको इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी, काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी होगी इनकी दूसरों से, ठीक है, मतलब आप जब इनके साथ रहोगे तो यू विल फील कि हाँ यार, ये बंदा या बंदी जो है काफ़ी अलग है, काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी यूनिक है, इस तरह की पर्सनालिटी होगी। इनका गुस्सा ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, गुस्सा नहीं आता होगा इनको इतना, ठीक है, शांत रहने वाले पर्सन होंगे, अगर गुस्सा कोई कर भी रहा है सामने से तो भी ये पार्टनर उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते होंगे, तो काफ़ी शांत रहना, और मे बी जब आप अपने ब्रेकअप से गुजर रहे हो, पास्ट के किसी बुरे फेज से गुजर रहे हो, तब ये पार्टनर जो है आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी शांति प्रिय पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, स्वीट पर्सन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे, होमली पर्सन होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आप दोनों का इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। यहाँ पे साइंस अप्रॉक्सीमेटली सारे ही हैं एक्सेप्ट अर्थ साइन, या मुझे अर्थ साइन नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपका इमोशनल कनेक्शन आफ्टर मैरिज। सेक्सुअल फ्रीडम, सो लव तो बहुत डीप होगा आप दोनों का, ये ना नहीं आए, सोलमेट होंगे ये आपके, बहुत केयरिंग कनेक्शन होगा, डिवाइन फेमिनिन एंड सेरेंडिपिटी। सो ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने नहीं सोची है, ठीक है, जो आपने प्लान करा है उससे तो 10 गुना ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी आपको आफ्टर मैरिज। एंड ये पार्टनर ना आपका बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे लाइक ए डिवाइन फेमिनिन, आपको हर तरह से पैम्पर करेंगे, खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, ठीक है, नर्चर करेंगे। सो काफ़ी इनमें खुद में फेमिनिन क्वालिटीज़ होंगी, कि केयरिंग, मतलब जैसे कि लड़कियां तो होती केयरिंग है, बट एक लड़का भी होगा तो बहुत केयरिंग होगा, ठीक है, आपका बहुत ध्यान रखेंगे वो, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके। एंड सेक्सुअल फ्रीडम, सो डेफिनेटली आपका जो सेक्सुअली भी बॉन्ड होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत लव करेंगे पर्सन आपसे, लव बहुत होगा इस पार्टनर के दिल में आपको लेके, और एक्सप्रेस भी करेंगे उस लव को, ठीक है। एंड यिन एंड यांग, सो ये पार्टनर डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, और आपका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, जितना आप दोगे उतना ही ये पार्टनर भी आपको लव देंगे, सो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यूनिक कनेक्शन होगा आपका, बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा आप दोनों का। चलिए और देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा आपका आफ्टर मैरिज विद दिस पर्सन। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, न्यू बिगनिंग, पार्टनरशिप एंड अलायंस। आप में से काफ़ी लोग शायद इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो इस वक्त, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके बीच में, तो वो बहुत जल्द ओवर हो जाएगा, ठीक है, और नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, आपकी पार्टनरशिप फिर से बनेगी,
और शादी के बाद भी अगर कुछ ना कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते भी हैं तो भी आप इतना उसको अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करने दोगे, बिकॉज आप दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम के रखोगे, ठीक है? आप दोनों का पार्टनरशिप एज अ पार्टनर जो है, आप दोनों बहुत ही एक टीम की तरह वर्क करोगे, ठीक है? और हमेशा जो भी हुआ, लड़ाई वगैरह जो भी अगर होती है, तो आप उसको भुला के नई शुरुआत कर लोगे। सो बहुत ही एक माफ़ करने वाली एनर्जी होगी कि दोनों दूसरे को फॉरगिव कर दोगे, और जो भी अगर नॉर्मल लड़ाइयाँ सब में होती हैं, ठीक है, तो आप उसको भुला के फिर से एक होके और आप नई शुरुआत करोगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाइयाँ जो है वो बढ़ेंगी नहीं, ठीक है? आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ओके, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए, और ये एक तरह से आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी आफ्टर मैरिज, टोटल नई शुरुआत। चलिए मंथ्स निकालते हैं कि आप इन मंथ्स में उनसे मिल सकते हो, या आपकी शादी हो सकती है, या उनका बर्थडे आता हो इन मंथ्स में। कि वी हैव अप्रैल की, वी हैव अक्टूबर, फेब्रुअरी, वी हैव मई, दिसंबर, देन वी हैव जनवरी। सो ये मंथ्स आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इनसे मिल सकते हो, या फिर आपकी शादी इन महीनों में हो सकती है, आपके पार्टनर का बर्थडे इन मंथ्स में आता हो, ठीक है? चलिए यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ हम निकालते हैं कि कैसे होंगे आपके पर्सन। ओके, फर्स्ट वी हैव अ शॉर्ट, सो हाइट ज़्यादा टॉल नहीं होगी, शॉर्ट होंगे, हेल्दी, सो काफ़ी हेल्दी होंगे, ठीक है? ज़्यादा स्लिम नहीं होंगे, मतलब हेल्दी टाइप होंगे। लॉन्ग हेयर अगर लड़की है तो बाल काफ़ी लंबे होंगे, स्लिम, ठीक है? लड़की है तो स्लिम हो सकती है वो, बट हेल्दी डाइट फॉलो करते होंगे। ओके, हैंडसम, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। देन वी आर ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग आया है और ट्विन फ्लेम आया है, सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट वाइब है यहाँ पे। ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, तो आपका कपल ऐसा होगा कि हैंडसम एंड ब्यूटीफुल का कपल आप दोनों का। ब्राउन आइज, आइज का कलर ब्राउन हो, या लेंसेज वगैरह पहनते हो वो ब्राउन कलर के, शार्प आइज, सो आइज काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, काफ़ी शार्प होंगी इनकी आइज। मटीरियलिस्टिक, सो अपने जो भी हार्डवर्क करते हैं ये अपनी मटीरियल लाइफ को काफ़ी बैलेंस में रखते होंगे, ठीक है? अच्छी से अच्छी लाइफ स्टाइल आपको दे सकें, ठीक है? मटीरियलिस्टिक होंगे थोड़े। देन एक्स, तो आप में से काफ़ी लोगों के एक्स भी हो सकते हैं कि जो पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है वो फिर से आपकी लाइफ में आए और आपके बीच में नई शुरुआत हो, बिकॉज हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट और न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था। तो मे बी आप ये, आपने इनको पास्ट में डेट करा है, तो आप में से काफ़ी लोगों के एक्स भी हो सकते हैं, फिर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम और कार्ड निकालते हैं फॉर योर मैरिज, ग्रुप नंबर टू। रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, सो ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत सारा रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, या आपकी लाइफ में ये इवेंट बहुत जल्द आने वाला है, आप सेलिब्रेट करोगे आप दोनों मिलके। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, सो अभी जो वक्त चल रहा है अभी काफ़ी अनसेटल्ड है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है? आप कभी कंफ्यूज हो तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छे से अभी। देन फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, सो मे बी कुछ लोग हो सकते हैं अभी कि जो आपका रिलेशनशिप तोड़वाना चाहते हो, या नहीं मान रहे हो, या फिर आपको अगर ये पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, तो आपको काफ़ी स्ट्रांग बन के खड़े रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी शायद वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है आपका। टाइम टू एक्ट, अपना एक्शन लेते रहो, ठीक है? ये पार्टनर भी एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके, देन वी हैव डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, तो आपको इस कनेक्शन में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत डीप होगा, बहुत ही ज़्यादा एक पीस वाली फीलिंग होगी। तो अगर आपके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करिए, और जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ हार्मनी और एक पीस वाले कनेक्शन में रहिए। ओके, चलिए हम यहाँ से मेटल्स निकालते हैं। के वी आर डी पी आई डी वी ए जे, ये उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या जहाँ वो रहते हैं। एक्स टी सी एक्स फिर से आ गया, तो आपके एक्स हो सकते हैं ये।
देन वी हैव एल ए एम ओके एंड डी पी. सो मे बी ये पार्टनर को आपकी डी पी चेक करना बहुत पसंद होगा. ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.